यूनिवर्सल ह्यूमन राइट काउंसलिंग राष्ट्रीय सदस्य एवं मीडिया प्रभारी मध्य प्रदेश अरशद वली एवं महिला प्रदेश अध्यक्ष वंदना शर्मा का जोरदार स्वागत किया गया। प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश यूनिवर्सल ह्यूमन राइट काउंसलिंग मोहम्मद दारा खान ने बताया कि यूनिवर्सल ह्यूमन राइट काउंसिल राष्ट्रीय अध्यक्ष तरुण बकोलिया ने अरशद वली की समाज सेवा एवं पत्रकारिता के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य देखकर अरशद वली को प्रदेश सचिव मध्य प्रदेश से प्रमोशन देकर राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य एवं मीडिया प्रभारी मध्य प्रदेश बनाया है। महिला प्रदेश अध्यक्ष के लिए प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश मोहम्मद दारा खान और जिला अध्यक्ष तारी सिद्दीकी की अनुशंसा पर वंदना शर्मा को यूनिवर्सल ह्यूमन राइट काउंसलिंग मध्य प्रदेश महिला प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। शिवपुर से यूसुफ खान की रिपोर्ट। जो आज कार्यक्रम रखा गया है आपके द्वारा, क्या कुछ कार्यक्रम है बताएं थोड़ा। आज हमारी महिला प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति हुई थी, उस सिलसिले में उनके सम्मान में एक कार्यक्रम रखा गया है और ये सभी लोग उनको सम्मानित करने के लिए यहाँ एकजुट हुए हैं। किस पद से नियुक्त किया इनको? महिला प्रदेश अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है और उसी सिलसिले में अब हमारी नवीन महिला प्रदेश अध्यक्ष आपको कुछ बताना चाहेंगी संगठन के बारे में, आप उन्हीं से पूछिए। मैडम, जो आज आपको जो पद से नियुक्त किया, क्या कुछ कहना है आपका? आज संगठन ने मुझे जो महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष की जवाबदारी दी है, मैं उस जवाबदारी को बखूबी निभाने का प्रयास करूंगी और यहाँ पे जिले में और पूरे प्रदेश में महिला कार्यकारिणी का गठन जो अति आवश्यक है वो करना चाहूंगी सबसे पहले। और महिलाओं के लिए जिस क्षेत्र में ज़रूरत होगी, आवश्यकता होगी, वहाँ पर हर हाल में मैं सहयोग करूंगी। महिला उत्पीड़न या गरीब शोषित वर्ग उत्पीड़न कार्य के लिए जहां भी जरूरत होगी, आवश्यकता होगी, हम लोग वहां पर संगठन के माध्यम से कार्य करने की कोशिश करेंगे। और मेरा सोचना ये है कि ये संगठन महिलाओं के लिए ना कि अकेली महिलाओं के लिए, बाकी समाज के सभी वर्गों के लिए काम करता है। जो एक सोशल वर्क के रूप में देखा जा सकता है और हम हर एक जन समुदाय से जुड़ के उनका सहयोग कर सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं। इससे अच्छा काम समाज के लिए और नहीं होगा। तो हम चाहते हैं कि हम इस संगठन को बखूबी आगे बढ़ाएं। आज आपके द्वारा जो कार्यक्रम रखा गया था, क्या कुछ कार्यक्रम? आज हमारा जो कार्यक्रम है यूनिवर्सल ह्यूमन राइट काउंसिल जो मानवाधिकारियों के लिए संघर्षरत रहता है हमेशा, उसका एक कार्यक्रम था जिसमें मेरे छोटे भाई अरशद अली जो पहले प्रदेश सचिव थे, आज इनको प्रमोशन देकर राष्ट्रीय कार्यकारिणी में लिया गया है और मध्य प्रदेश का मीडिया प्रभारी बनाया गया है। आप कुछ अपने कार्यों के बारे में बताओगे थोड़ा? हाँ, हमारा जो संगठन है यूनिवर्सल ह्यूमन राइट काउंसिल वो मानव अधिकार संरक्षण के लिए कार्य करता है, पर्यावरण संरक्षण। क्या कुछ कार्य करें आपने, बताएंगे थोड़ा? जी बिल्कुल, अभी जो कोरोना के टाइम था, कोरोना काल में हमारे संगठन ने फ्री ऑक्सीजन सिलेंडरों की व्यवस्था की, लोगों को खाने की व्यवस्था की, वस्त्रों की व्यवस्था की और गर्मी के टाइम पर जब गर्मी पीक पर होती है तो परिंदों के लिए परिंदे अभियान चलाकर पूरे देश के अंदर पक्षियों को दाने पानी की व्यवस्था करना हमारे संगठन ने एक अभियान के रूप में चलाया और हॉस्पिटल में जाकर मरीजों को फल वितरित करना, उनके हालचाल जानना, इस तरीके के अनेक कार्य किए हैं हमारे संगठन ने। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद दारा खान है, मैं यूनिवर्सल ह्यूमन राइट काउंसिल का प्रदेश अध्यक्ष हूँ मध्य प्रदेश से। और आज यहाँ क्या प्रोग्राम रहा था सर? आज हमारा जो यहाँ जो कार्यक्रम था वो राष्ट्रीय लेवल का कार्यक्रम था और हमारा जो संगठन है यूनिवर्सल ह्यूमन राइट काउंसिल, उसके मेरे छोटे भाई अरशद अली जो थे वो जिला सचिव, वो प्रदेश सचिव थे, तो उनको प्रमोशन देकर आज राष्ट्रीय टीम में शामिल किया गया है और मध्य प्रदेश मीडिया प्रभारी बनाया गया है।
उस उपलक्ष्य में उस स्वागत सम्मान में यहाँ पर एक कार्यक्रम रखा था छोटे भाई अरशद अली के स्वागत के लिए, और हमारी महिला प्रदेश अध्यक्ष का पद भी काफ़ी टाइम से खाली पड़ा हुआ था, उस पद को भी भरना था। तो उस पद के लिए वंदना शर्मा जी का नाम जो है वो हमने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तरुण बाबूलिया जी के लिए रिकमेंड किया था, तो उन्होंने वंदना शर्मा को मध्य प्रदेश का महिला प्रदेश अध्यक्ष बनाया और उनके सम्मान में यहाँ पर आज कार्यक्रम रखा। ये दोनों कार्यक्रम एक साथ थे। आप हमारे छोटा भाई अरशद अली बताएंगे आपको कि इस आगे उनकी क्या रणनीति रहेगी, राष्ट्रीय लेवल पर वो किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर पाएंगे। हाँ बताओ। मैं सबसे पहले तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर तरुण बाबूलिया जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे प्रदेश सचिव से राष्ट्रीय सदस्य एवं प्रदेश मीडिया प्रभारी पे नियुक्त किया है, और मैं सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मेरे बड़े भाई प्रदेश जो यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स काउंसिल में प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनके प्रयास और कड़ी मेहनत से और उन्हीं की अनुशंसा पर मुझे राष्ट्रीय सदस्य और प्रदेश मीडिया प्रभारी नियुक्त किया गया है। मैं इस पर बिल्कुल खरा उतरूँगा, तन मन धन लगा कर अपना काम करता हूँ, वो करता रहूँगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।